जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने अवैध तरीके से मिट्टी का उत्खनन करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां अवैध उत्खनन में लगी एक जेसीबी मशीन, तीन हाइवा को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बरगी थाना पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम मुहास नहर के पास कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी का उत्खनन कर रहे हैं, जिस पर तत्काल टीम ने मौके पर दबिश देते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन और तीन हाइवा जब्त किए हैं। वहीं मौके पर मिले एक जेसीबी चालक और तीन हाइवा चालकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार किए हुए चालकों ने बताया कि वह अपने मालिक के कहने पर उत्खनन का कार्य कर रहे थे, जहां मालिकों के विरुद्ध भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना बरगी में प्रभारी को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति अवैध मिट्टी खोदकर उसका परिवहन करने के फिराक में है। मौके पर जब टीम गई तो वहाँ पर एक जेसीबी तीन हाइवा में मिट्टी लोड कर रहा था। उनसे जब जानकारी मांगी गई तो वो लोग किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दे सके। मौके से जेसीबी और तीनों हाइवा को जब्त कर तीनों चालक और जेसीबी चालक को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही इनके मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसमें मिट्टी चोरी धारा 379 IPC और 3-4 खनिज अधिनियम 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध भी दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है।